Hi, I'm Anup Chani. Hi, this is Shivakumar. Hi, this is Paras Kalam. And you're watching GlamBuzz. फर्स्ट ऑफ ऑल बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है गाने को लेकर। पर्सनली आपको ऐसा जो कमेंट्स जो बहुत ही अच्छा लगा वो कुछ शेयर करना चाहिए, कोई पर्सनली कमेंट? कमेंट तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग कह रहे हैं कि आपने जो एक ग्रे शेड किया वो भी कमाल का था, तो आप ऐसे ये भी अपना साइड जो है वो दिखाते रहिएगा ऑडियंस को। तो मेरे लिए तो ये तारीफ ही थी कि लोगों को मेरा ग्रे शेड भी पसंद आ रहा है। अशोक मैम, आई वाज लिटिल रिलक्टेंट बिकॉज़ इसमें मैं अनुष्का दिल तोड़ती हूं बिकॉज़ ऑफ द काइंड ऑफ स्टोरी दैट वी हैव, बट पीपल वर सो हैप्पी कि इससे पहले जो म्यूजिक एल्बम्स हो रखे हैं उसमें आपका दिल टूटता है हर बार, योर दी विक्टिम एंड योर दी वन हुज हार्ट ब्रोकन, लेकिन इस बार आपने दिल तोड़ा, सो वी आर प्राउड ऑफ यू। देखो अश्रून के फैंस का एक बड़ा स्वीट मैसेज आया है कि अश्रून दीदी लाइफ में ऐसी नहीं है, असली में उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ऐसे नहीं, वो मेरे को बड़ा स्वीट लगा। ओके, ये वन ऑफ फ्यू सॉन्ग रहेगा जो फास्टेस्ट व्यू मिला है 3 मिलियंस, वो भी सिर्फ 9 घंटे में, ये वन ऑफ रिकॉर्ड है, सो उसके बारे में क्या कहना चाहिए, कितना मतलब अच्छा फील कर रहे क्योंकि ये एक रिकॉर्ड है? बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, हम तीनों बोले नहीं संभाल रहे, इतने ज्यादा व्यूज, इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा हर चीज अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो हम लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश है। बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है जब लोग आपके काम को इतना इतना तारीफ करते हैं आपके काम की और इतना प्यार देते हैं। तो अभी 3 मिलियन हो गए हैं कुछ 8-9 घंटे में, तो वैसे ही बस ये है, हम लोग ने 3 मिलियन एक एक में बांट लिए, तो अब ऐसे ही आप 300 मिलियन करें ताकि हम 100-100 बांट लें, है ना? ओके, ऑफ साइड हम देख रहे कि कितने बॉन्डिंग है आप तीनों में और बहुत ही मजे कर रहे हैं, तो ऑन साइड कितने मजे था, थे कोई सीन अगर शेयर करना चाहिए आपकी कोई मेमोरीज बहुत ही मतलब मजेदार थी? अरे नहीं बता सकते, इसका ढाबे का एक्सपीरियंस था वो बता सकते हैं। मेरा तो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों के साथ बिताया गया हर पल, यार ये बड़ा इमोशनल बन रहा है यार, बहुत ही स्पेशल रहा है हर पल, जिसको मैं हमेशा अपने पास रखूंगा, अपने दिल के करीब रखूंगा, और ये पल भी मेरे लिए बहुत ही अच्छे। ओके, यार की महफिल गाने के अगर टाइटल की बात करें तो आप तीनों में ऐसी यार की महफिल जब भी लगती है आप तीनों पर्सनली, उसमें क्या मतलब ज्यादातर इमोशनल होते हैं बॉन्डिंग या क्या मतलब कौन से ज्यादा होता है? अब जो हम लोग यार की महफिल जब भी बैठती है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा टॉकेटिव होती है, वो बहुत ज़्यादा मस्ती होती है उसमें, इमोशनल भी होती है क्योंकि हम जब दोस्तों के साथ बैठते हैं तो हम अपना इमोशन उनके साथ शेयर करते हैं, आपके लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है क्या बुरा, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि शायद वो भी इमोशनल हो जाएगी, शायद उन्हें भी उस चीज़ का स्ट्रेस होगा। सो यार ऐसे होते हैं जिनके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं, जिन्हें हम सब कुछ बता सकते हैं और जिनसे हम सजेशन भी ले सकते हैं, तो यार की महफिल एक्चुअली ऐसी है जिनके बिना जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। आप लोग कुछ ऐड करना चाहिए अंशु मैम? हंसना, खेलना, लड़ना, कोई ओपिनियन लेना, कोई राय लेना, कुछ बताना, किसी चीज को लेकर कंफ्यूज हो तो दोस्तों की राय लेना, तो यही सब होता है। A place where you can be yourself without any hesitation. देखो इतना बोल लिया मैंने, मैं मार रही हूँ। Without getting judged. Without getting judged, without any hesitation, where you can just be you and do whatever you like. So it's a mixture of everything. ओके अश्विन, मैं आपको स्पेशली आपके फैंस बहुत ही मिस कर रहे हैं और ये 2022 का ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो आने वाले सालों में ऐसा कोई फैंस को देखने मिलेगा बहुत जल्द, क्योंकि पटियाला हाउस के बाद बहुत मतलब बहुत आपको मिस किया जा रहा है, या कुछ प्रोजेक्ट टीवी से कॉन्शियसली थोड़ा ब्रेक लिया है बिकॉज ऑल दी ऑफर्स दैट आई एम गेटिंग सम व्हाट हैव मैरिज विद देम मे बी अ मंथ और टू एंड आई एम नॉट इवन 18 येट,
So I'm gonna take my time. I'm gonna prepare myself. तब तक ये जो break है, I'm looking exploring new things. You know, music albums. एक next month end में भी एक music album आ रही है. There's something coming up on the OTT space. And after that, once I'm fully prepared, if there's a strong concept with a good storyline, I would love to take that up. Platform for me is more the value. ओके पारस सर, आपके भी अनुपमा बहुत ही डेली ज़्यादातर ट्रेंड होते रहते हैं और आपको बहुत प्यार करते हैं लोग और ट्विस्ट एंड टर्न्स कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि आगे के बारे में? बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो प्यार आप लोगों ने दिया है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का प्यार है. ऐसा प्यार किसी टीवी शो को इन लास्ट फ्यू ईयर्स तो नहीं मिला है. तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव. और आगे ऐसा धमाकेदार सीक्वेंस आ रहा है कि वो आप देखेंगे आपके होश उड़ जाएंगे और आप लोग मेरा ये जो मैं जो कह रहा हूँ इसे याद करेंगे कि मैंने क्यों कहा था, क्योंकि ऐसा कुछ है जो किसी को नहीं पता है, जो कि अभी सस्पेंस है. हाँ, अश्विन को पता है. सो यस, तो ऐसे ही आप प्यार देते रहिए मेरे शो को भी और यार के महफिल को भी जो कि आप दे रहे हैं. ओके, आप तीनों से जानना चाहूंगा कि आप तीनों के बारे में कुछ ना कुछ खबरें आते ही रहते हैं. रिसेंटली अश्विन मैम आपके लिए आया था कि लॉकअप में आप बहुत जल्द जाने वाले हैं और आपके एक फ्रेंड जन्नत जुबैर आ चुके हैं, उनका रिवील हो चुका है नाम. तो आप क्या कहना चाहोगे पर्सनली, आपका जो नाम आ रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? I guess, yeah, she's already winning hearts and I hope कि वो शो में भी दिल जीते लोगों के. And she's a great person, she's a very close friend, so I wish her all the best. Okay, lastly, any message for your fans? Keep loving us, keep supporting us, keep watching Yaar Ki Mehfil on YouTube Reels. Like, share, comment and make a lot of reels. And we'll be checking your reels and जो best लगा उसे हम repost भी करेंगे. Thank you for hearing our Radio 5N and we love you guys. Thank you, a pleasure talking to you.